आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट को। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेसिकली कि वो पॉइंट जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के, या आप यूँ कह लें कि एटमोस्फेरिक प्रेशर के, तो उस वक्त जो टेम्परेचर होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो लेट्स सपोज जो है हमारे पास जो है एक लिक्विड है, तो आपको पता है कि लिक्विड को जब आप हीट देंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, और ये क्या होते जाएंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। तो जब आप इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है मॉलिक्यूल की, और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और वेपर प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये वेपर प्रेशर जो है इन वेपर्स का इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, जो भी यहाँ पर लिक्विड पर हुआ, ऑब्वियसली यहाँ पर जो बाय एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके ऊपर जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा इस एटमोस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है, ये जो एटमोस्फेयर इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो उस वक्त जो पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर जो ये टेम्परेचर होगा उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि द पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure ठीक है। जनरली हम एटमोस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, बट आप जो है एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसको भी ले सकते हैं डेफिनेशन के मुताबिक। तो जब वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के, तो उस पॉइंट के ऊपर उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको हीट दे रहे हैं लेट्स सपोज लिक्विड को, तो इसका क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज हो रही है और साथ में जो है वो टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो रहा है। बट एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जहाँ पर जो है वो एंटायर सरफेस से मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और वो वेपर्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जितना इसके ऊपर बाहर से प्रेशर लग रहा है उतना ही वो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर जो है एग्जर्ट कर रहे होंगे। तो उस वक्त क्या होगा, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे किसी भी लिक्विड का। अब जो टेम्परेचर की बात हमने की है, तो ये बात याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आती टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। लेट्स सपोज अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 180 जो है वो 100 डिग्री सी है, ठीक है, तो वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो राइज होता जाएगा टिल 100 डिग्री सी। जो ही ये 100 डिग्री सी पर पहुंचेगा तो उसके बाद जो टेम्परेचर होगा लिक्विड का या वाटर का वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बल्कि जो हीट आप यहाँ से इसको सप्लाई कर रहे होंगे वो सारी की सारी यूज होगी इन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, और इसके नतीजे में जो है वो वेपर्स जो है वो बनेंगे, ठीक है। शुरू में क्या हो रहा था, शुरू में जो हीट आप इसको अप्लाई कर रहे थे वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज हो रही थी, और इसकी वजह से वाटर का जो टेम्परेचर था वो ज्यादा हो रहा था। लेकिन एक जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो है टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं आती, बल्कि टेम्परेचर जो है वो किसी भी लिक्विड का कांस्टेंट हो जाता है, और उस वक्त जो सारी की सारी हीट आप दे रहे होंगे वो इसका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनको ओवरकम करने के लिए यूज होती है। दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि जितनी भी हीट यहाँ से दी जाती है वो सारी की सारी यूज होती है वेपर बनाने के लिए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर असरअंदाज हों, ठीक है, तो जनरली जो है हम दो फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, तो फैक्टर्स की तरफ बढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को
चेक करते हैं तो सबसे पहले आते हैं आर नेचर ऑफ लिक्विड या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो ये बेसिकली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो आप जो है एक ही डिफिनेशन कर इनको डिस्कस कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ लिक्विड को हम अगर डिस्कस करें तो नेचर ऑफ लिक्विड से क्या मुराद है कि आया कि जो लिक्विड है वो पोलर है या नॉन पोलर है, दूसरे लफ्जों में उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के लिक्विड हो सकते हैं, एक जो है वो पोलर हो सकता है। ठीक है, तो पोलर में अगर हम बात करें तो उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, या फिर जो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी। ठीक है, तो इनके दरमियान जो है ये दोनों जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो पॉसिबल हैं पोलर कंपाउंड्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर। तो आपको पता है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो रिलेटिवली स्ट्रांग है एज कंपेयर टू जो के जो दूसरी लिक्विड है नॉन पोलर में पाई जाती है। तो इसी वजह से जो नॉन पोलर या इसी वजह से जो पोलर कंपाउंड्स हैं, चूंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी ज्यादा होता है। ठीक है, चूंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, और इसी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी ज्यादा होगा। इसके बरक्स जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं इनमें जो है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, तो इसकी वजह से जो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इनमें चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या कम टेम्परेचर के ऊपर जो है इनका जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि वो ऑब्वियसली वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो वो जल्दी जाकर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इक्वल हो जाएंगे। तो इसी की वजह से जो नॉन पोलर होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। अब बढ़ते हैं जो दूसरा है, जो फैक्टर हमने डिस्कस किया है वो कौन सा है, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो 1 atm के ऊपर जो है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, 1 atm का मतलब ये है कि एट द सरफेस ऑफ एट सी लेवल, ठीक है, सी लेवल के ऊपर जो प्रेशर है वो 1 atm होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो उस वक्त किसी भी लिक्विड का जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नॉर्मल होता है। लेट्स सपोज अगर हम वाटर की बात करें तो उसका 100°C। अब इसके अलावा 1 atm अगर हम ये तो नॉर्मल हमारे पास प्रेशर है जो हम जनरली डिस्कस करते हैं, तो दो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक जो है अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को ज्यादा करते हैं, ठीक है, आप जो है प्रेशर जो है वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जब आप एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब जो लिक्विड मौजूद है इसके ज्यादा वेपर्स चाहिए होंगे इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए। ठीक है, इस प्रेशर को बराबर करने के लिए। तो दूसरे लफ्जों में ये क्या होगा कि आपको ज्यादा हीट चाहिए होगी ज्यादा वेपर्स बनाने के लिए। ठीक है, और इसका अल्टीमेटली मतलब ये होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, जब एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होता है तो विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसकी रीजन ये है कि ज्यादा प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए वेपर प्रेशर का ज्यादा होना जरूरी है, और ज्यादा वेपर प्रेशर उस वक्त डेवलप होगा जब आप उसको ज्यादा एनर्जी देंगे, हीट देंगे, और ज्यादा हीट देने का मतलब ये है कि आप उसका टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो यही इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सॉरी प्रेशर को जब इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो जो आपके पास कॉमन एग्जांपल है कुकर में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर को
जो है वो ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर का या जो कोई भी सब्सटेंस होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। दूसरे केस में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज है, कम हो जाए। ठीक है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कम हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि बाहर जो है यहाँ पर जो वेपर बनेंगे इनको वेपर प्रेशर कम चाहिए होगा कि ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको इक्वलाइज कर सके, उसके बराबर आ सके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कम वेपर्स चाहिए होंगे, कम हीट चाहिए होगी, तो अल्टीमेटली दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही वजह है कि जब आप मरी की तरफ जाते हैं, जो हिली एरियाज हैं, वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो डिक्रीज हो जाता है। अगर लेट्स सपोज जो है यहाँ पर जो वाटर है वो 100 डिग्री सी के ऊपर जो है वो जो है बॉयल हो रहा है, तो वहां पर जाकर 96-98, ठीक है, तो टेम्परेचर सॉरी जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें कमी आ रही है। और वो क्यों आ रही है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है या एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो गया है, तो आपको कम वेपर चाहिए उसको उसके साथ बराबर होने के लिए, जिसके नतीजे में ये है कि आपको कम ही हीट चाहिए होगी, जिसके नतीजे में ये होगा कि कम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो आप इन दोनों को बराबर अचीव कर सकें। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज जो है अगर आप ये जानते हैं किसी भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो वैक्यूम डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज की जाती है। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक एक्सटर्नल प्रेशर को इंतहाई लो कर दिया जाता है, ठीक है, फिर उस सब्सटेंस को जो है वो हीट किया जाता है, तो वो कम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। लेट्स सपोज एक सब्सटेंस है वो 200 डिग्री सी के ऊपर जो है वो बॉयल हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, तो आप जो है इसको 120 के ऊपर भी इसको क्या कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं, अगर जो है आप वैक्यूम पंप के जरिए जो है एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो कम वेपर्स चाहिए होंगे या कम हीट चाहिए होगी उसको इक्वलाइज करने के लिए, जिसके नतीजे में उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स है, एक नेचर ऑफ लिक्विड और प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर में हमने ये देखा है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो उसके नतीजे में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, और जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो उसके नतीजे में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।